अब हम एक्सरसाइज का सम नंबर देखते हैं वन। तो सम नंबर वन है वेरी वेरी सिंपल, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू की हमें प्रिंसिपल वैल्यू को सोल्व करना है। साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, तो हमें सोल्व करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि साइन की वैल्यू आ रही हो वन बाय टू, तो यहां पर कितना एंगल होगा? साइन की वैल्यू होगी वन बाय टू, तो एंगल कितना होगा? साइन थर्टी, थर्टी मतलब के साइन पाई बाय सिक्स। ये स्टेप काफी इजी है कि जो भी यहां पर आपको दी होगी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपको साइन के एंगल में उसे चेंज कर रख लेना है। साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय टू। अब साइन में फॉर्मूला होता है कि माइनस उसके अंदर जा सकती है, तो माइनस यहां से हमने अंदर रख ली। अब हमें इस एंगल को चेक करना है कि क्या ये जो है वो साइन एक्स की डोमेन में है या फिर साइन इनवर्स एक्स की रेंज में है। माइनस पाई बाय सिक्स जो है विच बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, इस इंटरवल में है, इस इंटरवल को बिलोंग हो रही है वैल्यू, तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन के साथ हो जाएगा सोल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा ही माइनस पाई बाय सिक्स। तो इसी बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है, अगर एंगल इंटरवल में है तो आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो काफी सिंपल था सम। सेकेंड प्रॉब्लम है वेरी वेरी सिंपल, कोज इनवर्स, कोज इनवर्स रूट थ्री बाय टू। तो ये तो काफी सिंपल है, आपको सिर्फ अब ये देखना है कि कोज में आनी चाहिए वैल्यू रूट थ्री बाय टू, तो एंगल कितना होगा? कोज थर्टी, तो फिर से सेम आ गया कोज पाई बाय सिक्स। नाउ पाई बाय सिक्स जो है वो कोज इनवर्स की रेंज क्या थी? जीरो टू पाई। कोज इनवर्स की रेंज आपको हर सम में उतारेंगे तो याद हो जाएगी जीरो टू पाई, इसी को बिलोंग हो रही है ये वैल्यू जीरो टू पाई, मतलब जीरो टू वहां ये बन जाएगा 180 और ये एंगल है हमारे पास ओनली 30 डिग्री, ये इसी इंटरवल में है, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा पाई बाय सिक्स। तो ऐसे काफी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये सभी। आगे जो थर्ड प्रॉब्लम है दैट इज द कोसिकेंड इनवर्स टू, कोसिकेंड इनवर्स टू। अब आपको ये देखना है कि कोसिकेंड की वैल्यू टू जब होगी तब एंगल कितना होगा। कोसिकेंड की वैल्यू के लिए आप याद रख सकते हैं साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर 2, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा कोसिकेंड। सो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? कोसिकेंड 30 डिग्री मतलब कोसिकेंड पाई बाय 6। अब ये भी इंटरवल में है, आपको रेंज याद रखनी है, इसकी भी रेंज होती है यही, बट इसमें से सिर्फ जीरो को रिमूव किया होता है, तो इसका मतलब इसका भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। तो ऐसे आपको सिंपली इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो आगे है फोर्थ सम, वो आपको खुद सोल्व करना है, सेम ऐसा ही है, टेन इनवर्स माइनस रूट पाई माइनस रूट थ्री। टेन की प्रॉब्लम भी सेम ऐसे ही होगी, उसमें भी माइनस अंदर चली जाएगी और आगे सोल्व हो जाएगा सिंपली। फोर्थ पार्ट करते हैं, कोज इनवर्स माइनस वन बाय टू, कोज इनवर्स माइनस वन बाय टू। सॉरी ये पार्ट है हमारा फिफ्थ, दैट इज कोज इनवर्स माइनस वन बाय टू। तो कोज थीटा की वैल्यू होनी चाहिए हमारी वन बाय टू, तो एंगल कितना होगा? कोज सिक्सटी, कोज सिक्सटी मीन्स कोज पाई बाय थ्री। अब यहां पर आकर हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि कोज थीटा के बाहर जो होती है माइनस की वैल्यू वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं ऐड हो सकती, और इसके अलावा हमें याद है कि इसकी जो रेंज थी वो क्या थी? जीरो टू पाई। तो हमें इसी रेंज में कुछ एंगल का यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब आपके जो पिछले साल के फॉर्मूलास थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो एक आपने फॉर्मूला पिछले साल रीड किया होगा कि कोज पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू द माइनस कोज थीटा। अगर कोज में अगर हम एंगल लगाते हैं पाई माइनस थीटा, ऐसा क्यों होता था? ये आपने याद किया होगा, जीरो डिग्री एंगल होता है पाई बाय टू, पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर ओनली साइन पॉजिटिव।
तो पाई माइनस थीटा एंगल यहां पर आ जाएगा, पाई माइनस थीटा एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसलिए साइन आता है नेगेटिव। तो हमारे पास ये वैल्यू है माइनस कोस थीटा, इसके ओपोजिट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मतलब इसके अंदर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा, कोज इनवर्स। इसके अंदर अब इसके ओपोजिट फॉर्मूला लगाएं, कोज पाई माइनस पाई बाय थ्री। जस्ट इसका रिवर्स फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है, सिंपल। नाउ कोज इनवर्स, अब ये एंगल जो है वो हमारे लिए यहां पर पाई से छोटा हो गया, मतलब 0 to π इंटरवल में ऑटोमेटिकली ये एंगल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें, 3π माइनस पाई 2π बाय 3 कोज 2π बाय 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी। नाउ 2π बाय 3 इंटरवल में है, सो 2π बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। साथ ही ये आपको यहां पर लिख देना है, बिकॉज 2π बाय 3 बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। तो ऐसे आपको ये सिंपल प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मतलब आपके जो भी पिछले साल के फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सभी आपके लिए यहाँ पर साथ साथ में ही यूज होने वाले हैं। ऐसे इसके और पार्ट हैं, वो सभी आपको सोल्व कर कर देखने हैं। आगे के टोटल जो भी 5 पार्ट्स हैं वो सभी आपको सोल्व करने हैं। आई होप के अगर आपको ये सभी अंडरस्टैंड हो गए हैं, तो वो भी सभी आप इजिली सोल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं, हम सोल्व करते हैं इसमें से 11th पार्ट, 11th सम सोल्व करते हैं। 11th थोड़ा सा चेंज है, बट उसमें ऐसी ही प्रॉब्लम है, सिमिलरली इसका जो आंसर है वो हमारा यूज होने वाला है, तो मैं उसकी स्टेटमेंट यहीं पर उतारता हूं। तो 11th सम है जो हमारा, दैट इज टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन प्लस कोज इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, इस वैल्यू को सोल्व करना है। तो ये तो काफी इजी है, टेन इनवर्स वन, टेन की वैल्यू होनी चाहिए वन, तो एंगल कितना होता है, टेन की वैल्यू होनी चाहिए वन, टेन 45, मतलब टेन पाई बाय 4। इसका आंसर हमने अभी अभी सोल्व किया है, ये पूरा सम आपको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा अगर आपको ये सम आता है पेपर में। तो इसका आंसर कितना आया है, 2π/3, तो मैं यहां से डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, बट आपको दोबारा सोल्व करना चाहिए। साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, ये भी वैसे हमने शुरू में सोल्व किया था, बट एक बार फिर से आप यहां पर देख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। है माइनस पाई बाय टू, टू पाई बाय टू उसके अंदर ही है ये वैल्यू, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ओनली पाई बाय 4। इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 2π/3, और इसको सोल्व करेंगे साइन इनवर्स के अंदर चली जाएगी माइनस पाई बाय 6। तो इन सबको आपको सोल्व कर लेना है सिंपली, तो यहां से आपके आंसर आ जाएंगे माइनस पाई बाय 6। इनका एलसीएम लें, इसको सोल्व करें, सिंपल है काफी। तो ये था आपका सम नंबर 11th। इसके बाद है अगली प्रॉब्लम 12th सम, वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें सिर्फ आपको दिया है 2 sin inverse 1/2, वो आपको खुद सोल्व करना है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोज इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin inverse 1/2, तो ये सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है। कोज इनवर्स 1/2 का तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोज की वैल्यू कितनी चाहिए 1/2, तो एंगल कितना होगा, कोज 60, मतलब के पाई बाय 3, और 2 का 2 रहेगा, साइन की वैल्यू चाहिए 1/2, तो कितना एंगल होता है, साइन 30 पाई बाय 6। तो यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका अगला सम था 12th। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 13th एक है आपके लिए एमसीक्यू, वो भी काफी सिंपल है। आपको पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई इनमें से किस इंटरवल में होगी, तो ऑप्शन आपका बी होगा राइट, क्योंकि वही इसकी रेंज होती है। और जो 14th प्रॉब्लम है वो आपको खुद सोल्व कर कर देखनी है। 14th हम एक बार सोल्व कर लेते हैं, सीकेंड इनवर्स इसमें दिया गया है,
तो 14th सम देखते हैं, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सिकेंड इनवर्स माइनस टू। टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन थीटा की वैल्यू होगी रूट थ्री, तो एंगल कितना होता है 60, तो कितना आ गया पाई बाय थ्री डायरेक्ट। सिकेंड इनवर्स, सिकेंड थीटा की वैल्यू हमें चाहिए टू, तो एंगल कितना होगा, कोज की टू होने के लिए कितना एंगल होता है, कोज की वैल्यू होनी चाहिए यहां पर हमारे लिए 1/2, तो एंगल कितना होता है 60, तो सिकेंड भी उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा सिकेंड 60, 60 मीन्स पाई बाय थ्री। अब इसके आगे भी क्या आ गई है, माइनस कोज के वाला फार्मूला सेम यहां पर अप्लाई होगा जो हमने पिछले समय किया था इससे, तो सिकेंड पाई माइनस थीटा, सो क्या बनेगा, माइनस सिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू सिकेंड पाई माइनस थीटा, वो हमने अंदर फॉर्मूला लगा दिए। तो यहां से अब आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा बच जाएगा 2π/3, सिकेंड के साथ हो जाएगा सिकेंड कैंसल, तो इसको आपको सोल्व करना है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा -π/3। सो इसका 14th का आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी फर्स्ट। इसके साथ आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है सोल्व करनी है, उनकी स्टेटमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, वो सभी आपको खुद सोल्व करनी है, उनकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, वो सभी प्रॉब्लम्स आपको खुद सोल्व करनी है, साथ में उनके आंसर्स भी शो हो रहे हैं, तो प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा कि जो भी आपने पिछले साल में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को यूज़ किया था वो सभी यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपसे ना सोल्व हुई तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बाकी आगे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आने वाली है उसमें भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर आपके ये सभी टॉपिक्स हो जाएंगे क्लियर, बट इनको सोल्व करने की आपने कोशिश जरूर करनी है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब बटन के साथ आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपके मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।